अगर आप एक स्कैल्पर हैं एंड मार्केट में ज़्यादातर आप स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हमारे एडवांस स्कैल्पिंग सेटअप को यूज़ करके आप डेली एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चार्ट्स पर जो आपको हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइंस दिख रहा है इसका कोई भी रोल नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस मैंने इन लाइंस को चार्ट पर ड्रॉ किया है। पहले पुलबैक इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस सेटअप को यूज करने के लिए आप पुलबैक और एल्स पुलबैक मोमेंटम एंड रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम दिख रहा है, मैं पहले से ही बता दूं कि ये एक पेड इंडिकेटर है जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने पर ही मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इंडिकेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं पुलबैक मोमेंटम एंड रेंज ब्रेकआउट को यूज़ कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट्स, कैंडलस्टिक्स विल बी रेगुलर। आप इस स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटी हर एक सेगमेंट पर यूज़ कर पाएंगे। इस स्कैल्पिंग सेटअप को हमें कैसे यूज़ करना है वन बाय वन देख लेते हैं। बट एक चीज़ नोट करें, 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। करंटली मैंने इस इंडिकेटर को बैंक निफ्टी पर अप्लाई किया है एंड आप देख सकते हैं हमें बेयरिश रेंज ब्रेकआउट का सिग्नल मिला है। तो यहाँ पर 9:15 पे आज हमें बेयरिश रेंज ब्रेकआउट के सिग्नल मिला है। तो हमें देखना है कौन सा कैंडल इस सिग्नल कैंडल की क्लोजिंग के नीचे बन रहा है। उसके बाद जैसे ही सिग्नल कैंडल की लो ब्रेक होता है हम तभी एंट्री करेंगे ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड रनिंग कैंडल में ही एग्जिट करेंगे जो भी हमें पॉइंट्स मिल रहा है, उससे पहले एंट्री नहीं करेंगे। सिमिलरली इस सेटअप को हम रिवर्सल ट्रेड भी कर सकते हैं अपसाइड ब्रेक होने पर। रिवर्सल ट्रेड कैसे करेंगे, जिस कैंडल पर हमें सिग्नल मिला है सिग्नल कैंडल की ओपन प्राइस के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है एंड ग्रीन कैंडल बनने के बाद सिग्नल कैंडल की हाई को ब्रेक करता है तो हम इमीडिएटली एंट्री लेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ 10 पॉइंट्स, 15, 20 पॉइंट्स जो भी हमें रनिंग कैंडल पे मिल जाता है एंड वो लेके एग्जिट करेंगे विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर तो कोई ट्रेड हुआ नहीं है। और भी कुछ चार्ट्स देख लेते हैं। नाउ लुक एट दिस बेयरिश रेंज ब्रेकआउट अगेन, कुछ खास ट्रेड नहीं मिला, लीव इट। नाउ लुक एट दिस सेल सिग्नल एंड सिग्नल कैंडल की जो ओपन है वही हाई है। उसके ऊपर जैसे ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू होता है एंड हाई को ब्रेक होता है तो आप एंट्री ले सकते हैं फॉर ए स्मॉल टारगेट। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर अगेन एक छोटा सा ट्रेड मिला है हमें, बाय सिग्नल रेड कैंडल पर, इग्नोर। लुक एट दिस 14 सितंबर 10:05 AM वी गॉट अ सेल सिग्नल एंड द नेक्स्ट कैंडल opens below the closing of the signal candle. As the low is broken, we will take an entry and our target will be in the running candle, right? Whatever points we can capture from 8-10 points to 20-25 points, we will capture and exit. Similarly, we can do reversal trades here. Any candle which is forming above the open of the signal candle and as the high is broken, you can take a trade and you have to take the trade on a running candle. That means you have to try to exit on the very same candle with whatever points you are getting, right? And your stop loss will be not more than 8-10 points or as per your risk appetite. Yahan par dekh lo, 13 September, is candle par signal mila hai and iske upar जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनने पर एंट्री नहीं लेना है, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा देन ओनली वी विल टेक द ट्रेड। और मैं आपको दिखाता हूँ 12 सितंबर, सिग्नल कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके नीचे से नेक्स्ट रेड कैंडल बन रहा है एंड ये लो को भी ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं एंड यू कैन एग्जिट समवेयर हियर इवन एट द क्लोजिंग ऑल्सो। ये एक कैंडल 100 पॉइंट्स का है। Imagine again here one small trade. Look at this bullish range breakout and here a target done. Again here आप देख सकते हो 60-70 points का ये candle है।
7 सितंबर ट्रेड नहीं हुआ क्योंकि ये जो कैंडल है ये मार्जिनली क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, उस वहाँ से ओपन हुआ है। सो इट इज़ योर चॉइस आपको क्या करना है। अगेन हियर ए स्मॉल ट्रेड, इस ट्रेड पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है ऑन दिस कैंडल। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाता है, लेट्स से आपको यहाँ पर सिग्नल मिला है, उसके बाद सेकेंड या थर्ड कैंडल पर अपसाइड, उसके बाद अगेन डाउनसाइड, तो आप अपना स्कैल्पिंग वही पर बंद कर दीजिए। व्हेन यू गेट वन ट्रेड अबव द सिग्नल कैंडल और ऑन द रिवर्स, आफ्टर दैट प्लीज पॉज द स्कैल्पिंग ट्रेड फॉर दैट डे, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली आपको दोनों साइड पर पैसे देने वाला नहीं है। ठीक है, हियर वी गॉट अ स्मॉल ट्रेड, यहाँ पर देख लो, सेल सिग्नल टारगेट अचीव्ड, बाय सिग्नल स्मॉल टारगेट, बाय सिग्नल रेड कैंडल इग्नोर, नो ट्रेड, स्मॉल ट्रेड, फिर हियर अगेन अ स्मॉल ट्रेड, टारगेट अचीव्ड हियर, यहाँ पर भी, हियर ऑल्सो अगेन टारगेट अचीव्ड। इस सेटअप पर टारगेट छोटा है एंड लॉस भी काफ़ी छोटा है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं।